हर हर महादेव भाई लोग, जय माता रानी। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। रात में तो हालत खराब हो गई थी भाई। वो जो रास्ता देख रहे हो ना, उधर से रात में आया है भाई। रात में बस अकेला मैं और राजीव आ रहा था यार। ये मंदिर है भाई, ऊपर में मंदिर है और ये द्वार है, गेट है यहाँ पे। चलो मंदिर का दर्शन करवाएंगे थोड़ी देर में। रात में तो सोने के लिए जगह नहीं मिला था यार हम लोग को। रात में सोने के लिए जगह नहीं मिला था, सब लोग सो रखे थे, कोई नहीं जगा हुआ था, सब बंद था भाई। और ठंड भी उतनी, और अपने पास ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं, बस ये था, ये जैकेट मैंने पहन रखा था। इधर देखो, ये कुछ ऐसा है ना, ये आश्रम है भाई। तो इसी आश्रम में लोग आते हैं और आराम से अपना कंबल वगैरह लेके सो जाते हैं। अब चलो, सुबह के अभी 8:15 हो रहे हैं, अभी फ्रेश हो लेते हैं और ब्रश वगैरह करके थोड़ा नहाएंगे तो नहीं यार, क्योंकि कपड़े तो ऊपर लेके आए नहीं है। बस जल जो है, जल से हाथ मुंह पैर ये सब धो लेंगे, जल छिड़क लेंगे और जाके अंदर दर्शन कर लेंगे भाई। दर्शन करके फिर यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खाना खा के और फिर रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके चलेंगे अभी गोपेश्वर। चलो अभी फिलहाल फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद आपको मंदिर का अंदर दर्शन करवाते हैं भाई। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और ये भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से सुंदर पर्वतीय परिदृश्यों से घिरा हुआ है। रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव के मुख की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया था। शिव पांडवों से क्रोधित होकर एक बैल के रूप में प्रकट हुए और इस क्षेत्र में चले गए। पांडवों ने शिव का पीछा किया, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को अलग अलग स्थानों पर विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ था, जबकि अन्य अंग पंच केदार के अन्य मंदिरों में पाए जाते हैं। रुद्रनाथ की यात्रा कठिन है और श्रद्धालुओं को 67 किलोमीटर की लंबी और कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा के दौरान उन्हें घने जंगल, हरी भरी घाटियां और पर्वतीय नदियां पार करनी पड़ती है, लेकिन यहां पहुंचने पर भक्तों को शिव के दिव्य दर्शन के साथ साथ प्रकृति की अनूठी सुंदरता का भी अनुभव होता है। रुद्रनाथ मंदिर शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और इसे अध्यात्म और प्रकृति की अद्भुत संगम के रूप में देखा जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, खासकर श्रावण के महीने में, जब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चलो भैया चलते हैं अब। ये देखो, ये पहाड़ पे हमें ऐसे करके जाना है, फिर इस पहाड़ को क्रॉस करके उधर पहाड़ मिलेगा भाई। 20-22 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर वहाँ पे लिखा हुआ था, वो झूठ है भाई, 15 किलोमीटर से ज़्यादा है। आदमी जो है परेशान ना हो उसके लिए लिख गया है। फूल देख रहे हो यार, कितने प्यारे दिख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एंड येलो। इधर देखो कुछ ऐसा है। ये सब व्यू ना यार, रात में तो दिख नहीं पाया था, सामने ग्लेशियर दिख रहा होगा, और उधर ना वो ग्लेशियर के आगे उधर केदारनाथ है भाई। तो देख लो, रात में तो ये सब दिखा नहीं पाए थे यार, क्योंकि रात में अंधेरा था। 11:30-12 बजे रात तक चलते रहे हम लोग, 12:15 में वहाँ पहुँचे थे भाई मंदिर के पास। चलो अभी मंदिर से 2 किलोमीटर आगे आए होंगे भाई। चलो अब आगे ढलान आने वाला है। अब ढलान है तो उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, चढ़ाई जहाँ पे आता है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी ढलान पे दिक्कत नहीं होगा। आगे एक द्वार मिलेगा, गेट मिलेगा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे, 2.5 या 3 किलोमीटर आगे है वो गेट। तो वो गेट से ना भाई फिर ढलान मिलेगा, वहाँ से फिर चढ़ाई नहीं है। अभी देखो ये सामने चढ़ाई दिख रहा होगा, गेट दिख रहा है क्या? उधर ही पहाड़ों में जाना है यार, यहाँ से ये चढ़ाई करते हुए वैसे घूमते।
यहाँ पे ये एक द्वार है भाई, यहाँ से नीचे अब हम लोग को जाना है। अब डाउन डाउन ही आएगा, थोड़े बहुत अप आएंगे, नहीं तो ज़्यादातर अब डाउन ही आएंगे। ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए और वो रास्ता दिख रहा होगा वहाँ से, उस पहाड़ को क्रॉस करके फिर उधर से आगे जाके वैसे नीचे उतरना है हम लोगों को। तो भैया टाइम जो है वो अभी 3:59, 4 बजने वाले हैं और बेस कैंप से करीब हम लोग 500 या 800 मीटर पहले होंगे, बेस कैंप पहुंच गए हैं और यहाँ पे बैठ के बिस्किट खा रहे हैं भाई। बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं 10-20 मिनट, उसके बाद फिर यहाँ से उठेंगे तो सीधा 1-2 बीट और बैठेंगे, उसके बाद फिर उतर जाएंगे नीचे बाइक के पास। अभी यहाँ से 2-2.5 घंटा लगेगा, मान के चलो कि 4 बज रहे हैं तो 6:30 तक पहुँचेंगे यार। चलो खाते हैं बिस्किट, उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं यार। और एक चीज़, हाँ मैं सोच रहा हूँ यार कि नीचे बाइक के पास उतर के और अभी गाड़ी स्टार्ट करके और आगे देहरादून की ओर बढ़ चले यार। तो फाइनली पहुंच गए यार हम लोग, टाइम अभी 6 बज रहे हैं, 6 ही बज रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 5:46 हो रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, अभी 14 मिनट बाकी है भाई और हम लोग नीचे उतर गए हैं। चलो अब चलते हैं गाड़ी के पास, बाइक के पास जहां पे पार्क किए हुए हैं होटल में, वहां पे चल के अभी कुछ खाएंगे यार होटल में और खा के अब यहां से सीधा हम लोग देहरादून की ओर निकलेंगे। चलो अब सीधा आपसे ना बाइक पे मिलते हैं यार और बाइक पे ही बातें करते हुए चलते हैं आगे। चलो भैया ऑल सेट, आगे होटल के पास, यही होटल था जय नारायण रेस्टोरेंट, ये जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है ना भाई, वहीं पे ये होटल है जय नारायण। तो यहाँ पे आप ज़रूर आके खाना वगैरह इनका ट्राई करना, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग पर्सन है यार, तो आना तो इनसे यहाँ होटल में ज़रूर रुकना। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये रहा पेट्रोल पंप यार, चलो यहाँ पे पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, फुल करवा लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे यार, टेंशन नहीं रहेगा, फिर आराम से चलते रहो। चलो यार भाई 1054 रुपये का यहाँ पे पेट्रोल आया है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा यार, अभी 7:19 हो रहे हैं, मतलब 8 बजे से पहले ही अंधेरा हो जाएगा, तो चलो थोड़ा गाड़ी को भगाएंगे अभी।